हरियाणा में लोकसभा टिकटों में देरी को लेकर कांग्रेस में घमासान मच गया है। भिवाड़ी में इंद्रगढ़ से टिकट कटने की चर्चाओं के बीच विधायक पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी कि यहां से डी नाम का उम्मीदवार हारेगा। इससे चर्चा शुरू हो गई कि श्रुति का निशाना उनके खिलाफ कांग्रेस टिकट के दावेदार राव दान सिंह है। हालांकि बवाल मचते ही श्रुति ने लिखा कि यहां डी का मतलब धर्मवीर यानी भाजपा के कैंडिडेट है। हालांकि तब तक कांग्रेस के भीतर भी इसको लेकर हंगामा मच गया था, जिसके बाद श्रुति चौधरी ने यह पूरी तरह से पोस्ट डिलीट कर दी। दूसरा बवाल गुरुग्राम सीट को लेकर मचा। यहां से टिकट के दावेदार कैप्टन अजय यादव हैं, लेकिन राज बब्बर को उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। इस पर कैप्टन अजय यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि राज बब्बर से मुझे तकलीफ नहीं है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन क्या राज बब्बर ने 5 साल गुरुग्राम में पसीना बहाया? टिकट वितरण में देरी से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि फिल्म स्टार लाना है कि रणबीर या ऋतिक रोशन को ले आओ। हरियाणा में लोकसभा टिकटों पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के पैनल में 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर एक से अधिक दावेदार हैं। पार्टी के नेता अपने दावेदारों को टिकट दिलाने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि अब टिकट नहीं मिलने के कारण दावेदार भी घर बैठ गए हैं। जिन टिकटों में विवाद हो रहा था, जिसमें भिवाड़ी महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम भी है। भिवाड़ी महेंद्रगढ़ सीट पर किरण चौधरी की बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी भी दावेदार हैं। इनके टिकट के लिए कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक राव दामन सिंह के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पैरवी कर रहे हैं। हाल ही में टिकट को लेकर पेच फंसने के दौरान तो शाम से विधायक किरण चौधरी भी दिल्ली पहुंची थी, जहां उन्होंने सोनिया गांधी से श्रुति के टिकट को लेकर चर्चा की थी। हालांकि वहां से उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला था, जिसके बाद वह अपने घर बैठ गई। हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा न करने का असर दिखने लगा है। कांग्रेस राज्य में 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक कुरुक्षेत्र सीट से इंडिया ब्लॉक के नाम तहत आपको दे दी गई 9 सीटों में से सिर्फ 2 ही सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार संभावित प्रचार कर रहे हैं, जिनमें दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा शामिल है। दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है, वहीं शैलजा की सिरसा सीट से टिकट तय मानी जा रही है, लेकिन अंबाला से भी उनकी दावेदारी है। बाकी 7 सीटों पर घर बैठकर टिकट की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अभी भी टेंशन है कि उनके आका टिकट दिला पाएंगे या नहीं। इस वजह से वह अभी प्रचार में मेहनत और रुपया खर्च करने से बच रहे हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल से नामांकन शुरू होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास महज अब 4 ही दिन बचे हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस में अभी 2 गुट चल रहे हैं, इसमें 1 गुट सीएम भूपेंद्र हुड्डा का, जिनकी प्रधान उद्यभान के जरिए संगठन पर भी पकड़ है। दूसरा ग्रुप कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का है। हुड्डा ग्रुप ने संगठन के जरिए जो नाम भेजे थे, उसमें कुमारी शैलजा सुरजेवाला सहमत नहीं हुए, इसी वजह से टिकटों में शुरुआती पेज फंसा हुआ है। मेरे चैनल के साथ मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।